देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। अब शहर में नहीं होगी जाम की झाम, नगर निगम और प्रशासन ने कसी कमर, हटाया अतिक्रमण। जी हाँ, प्रयागराज पुराने शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बात को लेकर चिंतित प्रशासन ने आखिर एक्शन में ले ही लिया और जानसेनगंज से घंटा घर होते हुए सुलाखी चौराहे रानी मंडी पूर्ण रूप से अतिक्रमण को हटाया गया तथा ये भी तय किया गया कि जिस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था यातायात के उचित है, उसी पूरी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से पूरी जोर शोर से लागू किया जाएगा ताकि आगे चलकर इस प्रकार की अव्यवस्था न तैयार हो। अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम प्रयागराज, डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन और रैपिड एक्शन फोर्स ने सम्मिलित रूप से संगठित की और इसको सफल बनाया। आप जानते हैं कि जानसेनगंज से लेकर के और चौक घंटाघर तक और फिर घंटाघर से सुलाखी की तरफ और इधर शाहगंज की तरफ सड़कों पर काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। इनसे हम लोगों ने पहले बात करी और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए और सुरक्षा प्लान के लिए भी ये ज़रूरी है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। इसमें यहाँ के व्यापार मंडल से भी हम लोगों ने बात किया और अन्य जो यहाँ के फुटकर दुकान लगाने वाले हैं उनसे भी बात हुई है और उसके उनसे बात इस पे सक्षम की टीम के साथ और पुलिस टीम लेकर के जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उन्हें पहले हटाने को कहा गया। जिन लोगों ने नहीं हटाया उन्हें बाद में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण को हटवाया। और आप देख रहे होंगे कि जो हमारी एकल मार्ग व्यवस्था है घंटाघर से घूम करके शाहगंज की तरफ जाने वाले, वो पूरी तरह से पालन कभी नहीं होता रहा क्योंकि उस पर दुकानदारों का अवैध रूप से अतिक्रमण रहा है।
तो अब ये व्यवस्था जो एकल दिशा मार्ग की व्यवस्था जो पहले से ही बनी हुई थी और बीच में किसी कारण से वो नहीं चल पा रही थी, उसे हम पुनः चालू करा रहे हैं और आप देखेंगे कि इसका बहुत ही पॉजिटिव संदेश जाएगा और तमाम पब्लिक के लोग इस चीज़ के लिए कह भी रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से बोल भी रहे हैं और इसका हम अनुपालन करेंगे कि भविष्य में इस व्यवस्था को जो हम बनाने जा रहे हैं ये किसी प्रकार से भंग ना होने पाए। आज भी जिन लोगों ने अवैध पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी की थी उनका चालान किया गया है और भविष्य में भी हम इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि अवैध पार्किंग जहाँ खुद ही सड़कें इतनी पतली हैं और वहाँ सामान्य यातायात चलने में भी दिक्कत है, वहाँ सड़कों के बीच में पार्किंग किसी भी तरह से मान्य नहीं है और इसमें जो संबंधित हैं उनको पूर्व में हम लोग अवगत भी करा दे रहे हैं और इसके बाद जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब